When the division is unequal and small buds are produced, this type of division is called budding. It is budding जो है commonly जो तब जब दो अनइक्वल ये असमान जो बराबर नहीं हो ऐसे में जब डिवीजन होता है तब उन्हें बडिंग बोलते हैं। ज़्यादातर ऐसा ईस्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा एसेक्सुअल के जो मेथड हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो है जू स्पोर। इसके अलावा कोनिडिया फॉर्मेशन, बर्ड्स, जेम्यूल्स, ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले जू स्पोर की बात करें तो जू स्पोर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, एक सेल के अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स बन जाते हैं और वो सेल से रिलीज होते हैं, रिलीज होकर के नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से कोनिडिया होते हैं, पेंसिलियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिडिया होते हैं जिनका फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। वो बनते रहते हैं एक तरफ से किनारे की तरफ और रिलीज होते रहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। इसी तरह जेम्यूल्स होता है, कुछ में होते हैं, इनका भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है बुक में। बडिंग जो है वो मेनली हाइड्रा में देखने को मिलता है अगर हम एनिमल की बात करें तो। प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स में भी बडिंग होती है, जैसे कि आप उसमें आपके बुक में दिया हुआ है फिगर, उसमें आप देख सकते हैं ब्रायोफाइलम है जो आपके घरों में भी मिलता है, उसमें आपने देखा होगा बडिंग होती है और पत्ती के ऊपर ही, लीफ के ऊपर ही दूसरी लीफ और रूट जनरेट होने लगती है। तो ये सारी प्रोसेस बडिंग है। हालांकि प्लांट के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था एनिमल के बारे में कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हम आते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोस्टली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा इसमें जू स्पोर या कोनिडिया या फिर बर्ड्स या जेम्यूल्स, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं बनते। उसमें प्लांट का कोई एक पार्ट टूट करके अलग होकर के वो एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है, इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव बोलते हैं। तो वेजिटेटिव का मतलब एक तरह से प्लांट के लिए भी है और उसमें कोई भी अलग से कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन हम कह सकते हैं कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट जू स्पोर या कोनिडिया इस तरह का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस तरह के कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट कोई एक पार्ट उसका डेवलप हो जाता है जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है। यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, कोई एक पार्ट है। जैसे आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो में बर्ड्स होते हैं डिफरेंट, उनको बर्ड्स को कई अलग अलग करके खेत में बो देते हैं, वो बाद में नया प्लांट डेवलप कर जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्लांट हैं, रनर प्लांट है, वो बीच बीच से टूट के अलग हो जाते हैं और नए प्लांट को जनरेट करते हैं। यहाँ पर कोई अलग से एसेक्सुअल बॉडी, जू स्पोर और बर्ड्स, कोनिडिया, इस तरह का कोई फॉर्मेशन नहीं है। अगर डिफरेंस की बात आती है तो यही डिफरेंस होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चूंकि एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट से नया प्लांट जनरेट होता है, इसलिए इसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख सकते हैं। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है और मोस्टली ये प्लांट्स में होता है। एक प्लांट का बहुत जिक्र आता है, वाटर हाइसिंथ, जिसको हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसकी वजह से किसी भी तालाब में अगर एक पौधा आ गया, कहीं से एक प्लांट आ गया, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिशेज हैं पॉन्ड्स के अंदर वो
प्रॉपर मूव नहीं कर पाती, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी वजह से वो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट इकोलॉजी सेक्शन में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल है। और इसके अलावा